स्पीड भाई साहब 20 भी नहीं बन पा रही है, 20 से भी कम की स्पीड आ रही है। बहुत मोटे पत्थर हैं, बहुत ध्यान से निकालना पड़ेगा क्या सारा। ये देखो सारा पत्थर गिर रहे हैं और हम निकल रहे हैं। क्या रास्ता है यार ये, चल के जा रहे हैं। कोई नहीं कोई नहीं, कोई लगी तो नहीं, नहीं नहीं। Can I try? Wait, wait. So hi guys, oh very warm namaste and a very good morning from Lake Karu. यार almost 17 days ले लद्दाख का ट्रिप करने के बाद ना फाइनली आज वो दिन आ गया है जब हम निकल रहे हैं वापस टूवर्ड्स मनाली। और यहाँ से मनाली का जो रास्ता है ना वो तो ऑसम है ही, बट उसके अलावा ना एक और सरप्राइज लोकेशन आपके लिए बाकी है। अभी तो हम रेडी हो चुके हैं, बैग हमारे बाइक पे सेट हो चुके हैं, टाइम हो गया है 8। ये है रूम, मतलब कारू में ना इकोनॉमिकल हाइजीनिक बढ़िया लोकेशन पर अच्छी प्रॉपर्टी है। ये खड़ी अपनी ऑल न्यू ट्रायम्फ फुली लोडेड, स्टार्ट करते हैं सिंगल सेल्फ में स्टार्ट, रॉक एंड रोल फ्रॉम ले खारू। प्रॉपर्टी का नाम है ये रही हाउस ऑफ वॉरियर, ये नंबर लिखा हुआ है इनका। इन्हीं का ऊपर जो है रेस्टोरेंट है, सॉरी इन्हीं का ऊपर जो है स्टे का है। तो ये हम कारू को क्रॉस कर रहे हैं। कारू यार बहुत ही अमेजिंग प्लेस है, मतलब ये है तो देखो छोटा सा टाउन है और यहाँ पर ना हर तरह के रेस्टोरेंट है, इकोनॉमिकल भी है रेस्टोरेंट और अच्छे बढ़िया रेस्टोरेंट भी है। रीज़न इसका ये है कि यहाँ पर ना आर्मी के काफ़ी भी कैंप्स हैं, तो हर तरह का जो आर्मी का स्टाफ है लाइक जूनियर लेवल से लेकर सीनियर ऑफिसर लेवल तक सारे रहते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर रेस्टोरेंट बने हुए हैं। तो स्टे करने की अच्छी ऑप्शन मिल जाती है आपको। और यहाँ पर खास बात यह है कि सामने जो है हेमिस गोम्पा, वन ऑफ माई फेवरेट मोनेस्ट्री। यहाँ से जिसपा का जो रास्ता है वो है 300 किलोमीटर का और 4 हाई ऑल्टीट्यूड पासेस हम क्रॉस करेंगे आज सबसे ज़्यादा सिंगल डे में यार। और मौसम ठंडा है, धूप तेज है, लेकिन एक खुशी की बात है यार 17 दिन ना लद्दाख में कहाँ निकल गए मालूम ही नहीं चला, लिटरली मालूम ही नहीं चला यार। टाइम हो गया 8:15 और नेक्स्ट स्टॉप आएगा हमारा उपसी, यहाँ से आई थिंक 20 किलोमीटर है समथिंग, वहाँ करेंगे बढ़िया उमदा ब्रेकफास्ट। आज का जो रूट है ना वन ऑफ द सीनिक रूट इफ यू आर ऑन लद्दाख ट्रिप। पहले आएगा हमारा तांगलंग ला, जहाँ हमें लास्ट ईयर मिली थी भयंकर स्नोफॉल। आज तो मौसम साफ है। लेह से मनाली का जो स्ट्रेच है ना वो वन ऑफ द रिमोटेस्ट स्ट्रेच है, मतलब ये स्ट्रेच जो है बंद हो जाता है विंटर्स में प्रॉपरली ना पूरा। कश्मीर का तो मेन स्ट्रेटेजिक रूट है वो ओपन रहता है, और ये है बहुत सीनिक और रिमोट सा है यहाँ पर। और ये देखो हम कहाँ से निकल रहे हैं भाई साहब, खेतों से निकल रहे हैं, मेन हाईवे जो बंद हो रखा है। इस बार ना हमें इतने सरप्राइज मिले हैं ना, मतलब मुझे खासकर क्योंकि लास्ट ईयर में आया था ना, तो जहाँ मैं सोचा था रोड सही होगी वहाँ रोड ख़राब थी। तो भाई साहब आज भी हम सरप्राइज़ के लिए फुली रेडी हैं, क्योंकि इस बार बारिश ने मानसून ने किसी भी हिल स्टेशन को नहीं बख्शा, बिल्कुल नहीं बख्शा भैया। अभी हमने स्टार्ट किया है, मात्र हमने 8 किलोमीटर राइड किया है और जस्ट सी द व्यू, एंजॉय द व्यू। कोई कैमरा लद्दाख की ब्यूटी को ना जस्टिफाई करने नहीं देता, मैं बोलता रहता हूँ ये बात, और ये बात फैक्ट है। वो देखो इंडस रिवर आ रही है पहाड़ों के बीच में से, ऑसम यार। ये रूट पे ना कैंपिंग के लिए बहुत लोकेशन आएंगी, आपको लगेगा यहाँ कैंपिंग कर लूँ, हर जगह लगेगा आपको कैंपिंग कर लूँ। अभी तो आगे चलो यार। अभी कहाँ एक्साइटेड हो रहे हो, मैं खुद को भी यही बोल रहा हूँ कि अभी कहाँ हो रहे भैया एक्साइटेड, अभी तो बाकी है। कुछ चाहिए नहीं है आपको ना यहाँ पर ऐसी लोकेशन पे, बस पेट भराओ और चलती रहे राइड। मनाली 428, उपसी 4 किलोमीटर। भूख लगी है भाई बहुत तेज, रात को उन्हें डिनर जल्दी कर लिया था और अब लग रही है भयंकर भयंकर वाली भूख। लो जी हम पहुंच गए हैं उपसी मात्र 10-15 मिनट में। ओके जी हम यही करेंगे ब्रेकफास्ट, क्योंकि हमने यही किया था लास्ट टाइम और यहाँ पर अच्छी ऑप्शन है ब्रेकफास्ट की यार। लद्दाख ट्रिप में ना वन ऑफ द बेस्ट ब्रेकफास्ट जो मिलता है वो मिलता है आपको उपसी में। ये देखो पराठा, दाल, दही, सब्जी और स्माइल देखो प्रवीण जी के साथ। स्माइल देखो सर के साथ, नहीं वाकई बहुत टेस्टी है, टेस्टी है ना। और ये खरीदने ट्राइम फटाफट से निपटाते हैं और निकलते हैं। आज बहुत लंबा
सफर तय करना है हमने आज। अन्ना तिब्बतन रेस्टोरेंट मेन उपसी चौक पे, बेहतरीन ब्रेकफास्ट जो कि जरूरी है एक बेहतरीन लंबी राइड के लिए। मजा आ गया, पूरा स्वाद आ गया। मॉर्निंग में अगर ब्रेकफास्ट बढ़िया मिल जाए ना यार ऐसी राइड से पहले, और ऐसे व्यू मिल जाए, कितना ऊपर तक पानी आ रहा है यार इसका, इंडस रिवर का। बढ़िया ब्रेकफास्ट मिल जाए मॉर्निंग में, हाँ तो मैं कह रहा था मॉर्निंग में अगर ब्रेकफास्ट बढ़िया मिल जाए ना यार, ओहो मज़ा आ जाता राइड का। उम्दा ब्रेकफास्ट, उम्दा चाय और बेहतरीन नज़ारे, हमारी ऑसम रेड स्पीड, ज़बरदस्त परफॉर्मेंस, टच वुड क्योंकि अभी भी कुछ दिन रहते हैं। अभी मैं दो मिले फौजी, मतलब BRO के थे वो, एक राजस्थान से एक बंगाल से। हिम्मत है यार यहाँ पर काम करना है, और उनकी अगर आप डिफेंस में हो तो आपकी पोस्टिंग प्लेन्स में भी होगी, आपकी राजस्थान में भी होगी यू नो, और अगर आप BRO में हो तो भैया आपकी पोस्टिंग होगी पहाड़ों में सिर्फ जस्ट इमेजिन नॉर्थ ईस्ट मतलब हिमालय में मोस्टली आप बोल सकते हो। और एक राजस्थान के थे एक थे बंगाल के, तो यार मतलब पहाड़ों में घूमने आना अलग बात है, आपको आपको वहीं जॉब करनी है हर टाइम ना, तो एक थोड़ा आपको चैलेंज तो है ही, खासकर जो प्लेन वाला बंदा है, प्लेन्स में रह रहे हैं। और देखो सेइंग कि यार विंटर्स में भी, एक्सट्रीम विंटर्स में भी कुछ स्ट्रेटेजिक रूट है उनको मेंटेन रखना पड़ता है, अगर टूट गया तो वो ठीक करना पड़ता है। तो उस -20 -30 डिग्री में रूट्स ठीक करवाना, काम करना, यार लाइफ इज नॉट इजी फॉर एवरीबडी। और यार एक बात तो है, जब हम ले में थे ना, ले से जब जा रहे थे हम नुब्रा वैली, तो उस दिन तक ऐसा था कि ना दिन में ना विंटर ग्लव्स की रिक्वायरमेंट थी ही नहीं, कोई दिक्कत नहीं थी, नॉर्मल ग्लव्स पहनो काम चल रहा था। बट उसके बाद से ना जब हम सियाचिन गए हैं, ठंड ऐसी बढ़ी है कि विंटर ग्लव्स पहनने पड़ते हैं दिन में भी। आई फील कि ठंड बढ़ रही है थोड़ी सी ना, क्योंकि तांगलांगला की तरफ हमने हाइट गेन करना हल्का सा स्टार्ट कर दिया है, और अभी तांगलांगला का यहाँ से तांगलांगला नाम इतना अजीब सा, मेरी जबान ही अटक जाती है अभी यहाँ से ऑलमोस्ट आई थिंक मे बी 25 किलोमीटर है जो टॉप है उसका। यार देखो ये रास्ता तो भाई पूरा ख़राब रखा है, ऐसे तो कैसे पूछेंगे भैया, रास्ते में ऐसे पहचान रहे हैं और स्पीड ना बनी नहीं पा रही है। आई थिंक हमें विंड शीटर पहनना पड़ेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा यार, ठंड काफ़ी लग रही है। First tram speed 400 at Tamrawala on 29th of September. Minus 10 हो गया, फट चुकी है हाथ मेरे। Awesome views, मजा आ गया यार। और यहाँ के ना इतना रिलीफ मिला है ना कि बस फाइनली यहाँ पहुंच गए, अब जो है हाइट कम होगी। Let's go. और अपनी बाइक, सिंगल सेल्फ पे स्टार्ट, बाय बाय तांगलांगला। ओह मैन अमेजिंग फीलिंग, डर के आगे जीत है। लास्ट ईयर हम थे यहाँ पर ऑलमोस्ट आई थिंक 20 सितंबर के आसपास, हम 10 दिन लेट हैं आज, लेकिन आज पता नहीं ठंडियाँ बढ़ चुकी है बहुत ज़्यादा, और लास्ट ईयर यहाँ स्नोफॉल हो रखी थी लेकिन इतनी ठंडी थी, हम हेलमेट नहीं उतार पाए भाई, हेलमेट बाइक वाला कोई नहीं उतार पा रहा था। कार में जो आ रहा है उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वही कार से आओ फोटो खिंचवाओ बैठ जाओ कार में। अभी हम पहुँच गए हैं टेपरिंग में, और ये भी जो है ना 16,000 फीट पे है, और भाई साहब तांगलांगला में जितनी ठंड थी ना अपने लास्ट ईयर स्नोफॉल के बाद भी फील नहीं की, ज़बरदस्त ठंड है, ठंड बहुत बढ़ गई है। और यहाँ पर भी ना जब खड़े हैं ना बिना कैप के, बिना प्रॉपर विंटर लेयर से रेन लाइनर के ना आप खड़े नहीं हो सकते, और अभी टाइम हुआ है 11:30, तो ये बात तो अच्छी है कि अपने टाइम से निकले हैं तो यहाँ पहुँच गए हैं। अब तांगलांगला के बाद ना कोई गांव नहीं है, मतलब कोई परमानेंट गांव नहीं है, जो जितने भी है ना ढाबा है ये यहाँ पर देबरिंग में, ये सारे टेम्प्रेरी ढाबा है, और ये अगले 15-20 दिन में ना आई थिंक 15 अक्टूबर तक सब बंद हो जाएंगे। ये आगे पांग के यहाँ से लेकर बारलाचा तक जो है जितने भी ढाबे हैं ये टेम्प्रेरी है, ये सब बंद हो जाते हैं, तो ये जस्ट नो मैन लैंड है, दूर दूर तक कोई नहीं है यहाँ पर।
भाई साहब इतनी तेज हवा है ना, मतलब हवा ना पूरी कोशिश कर रही है गिराने की। मैं वर्ड सोच सोच के वो यूज कर रहा हूँ। बहुत तेज हवा है, एकदम झटके से हवा आई और हमने ने एकदम बाइक अपनी स्लो कर ली और अभी हम चल रहे हैं 16,000 फीट पे। ये जो रोड है ये 15 और 16,000 फीट के बीच में है। ये रोड ना यहाँ पानी है ना यहाँ घास है। सो नाउ वी आर इन मुरे प्लेन्स, ऑल प्लेन लैंड, लेफ्ट में ग्राउंड, राइट में ग्राउंड, स्मूथ रोड, ग्राउंड के पीछे इस तरफ पहाड़ उस तरफ पहाड़, चलते रहो सीधा। जैसे आता है ना बवंडर आता है ना ट्विस्टर, भाई साहब हिला दिया पूरा मुझे। ट्विस्टर्स है यहाँ पर प्रॉपरली भाई साहब, खतरनाक। आगे थोड़ी हवा कम हो जाएगी क्योंकि हम जो है अभी काइंड ऑफ इन पहाड़ों के बीच में अंदर घुस जाएंगे। अभी हवा का चैलेंज था, तेज हवा का प्लेन्स में, अब देखना चैलेंज क्या आएगा आगे। अरे भाई साहब पूरा हिला दे रही है यार हवा ये। हम पहुंच गए हैं पांग और इसके आगे शुरू होगा रंगा रंग कार्यक्रम। हम हैं इस टाइम 15,280 फीट पे पांग और हम चल दिए हैं अपने लेह से मनाली स्ट्रेच का सबसे रफ स्ट्रेच क्रॉस करने के लिए। अब शुरू हो जाएगा रंगा रंग कार्यक्रम ऑफ रोडिंग। ये तो भैया स्ट्रेच ऐसा है, ये नॉर्मल डेज में भी खराब रहता है और इस साल तो अच्छे खासे स्ट्रेच जो है खराब हो गया है। तो देखते हैं क्या मिलता है हमें सरप्राइज, क्या शॉक मिलता है। लो भैया बम्पी रोड शुरू हो गई, ये देखो भैया रंगारंग कार्यक्रम। हो भाई साहब डांसिंग बाइक बन चुकी है। ये देखो इतने छोटे छोटे पत्थर हैं और गाड़ी हमारी चल रही है फुल स्पीड पे, कभी 15 पे और कभी 20 पे। ये सीरियसली पता नहीं है कि लास्ट फुटेज में क्या रिकॉर्ड हुआ होगा। ये देखो भाई साहब जहर रास्ता है, जहर पूरी मिट्टी भर गई है मेरे वाइजर पे, जस्ट मैंने लेंस पे भी मिट्टी क्लीन की है। ओ, ओ, ओ। धूल मिट्टी से नहा लिए हम। ये साला कैसे है? झुका हुआ ये फट रही मेरी। ओह शिट यार, देख लो भैया ये भी लद्दाख का ही पार्ट है। इस स्ट्रेच में हम चांस की बात है आए हैं ट्रकों के पीछे। बहुत वाहियत स्ट्रेच है ये, बहुत वाहियत। पत्थर भी ऐसे ऊपर से लगते हैं गिरना जाए साला। कांगला पता नहीं क्या लिखा हुआ है। यार ये बात तो है, इस बाइक की ना सस्पेंशन मतलब बड़ा कंफर्ट देते हैं यार, सही में सीट कंफर्ट बहुत बढ़िया है इसका। अदरवाइज ना बम्प्स की बैंड बज जाती है अगर हार्ड हो सस्पेंशन ना। प्रवीण जी की खुशी देखो, चावे प्रवीण जी आप। हम जा रहे हैं और काफी रेडर्स अभी आ रहे हैं लद्दाख, क्या बात है। रॉयल एनफील्ड ओके, ये ग्रुप है और साथ में इनका बैकअप व्हीकल है। रॉयल एनफील्ड की काफ़ी सपोर्ट है लद्दाख में, इसमें कोई डाउट नहीं है, इतनी सपोर्ट किसी और कंपनी की नहीं है। वेलकम टू लद्दाख भाई साहब, आप वही हो ना भाई साहब, आप वही है ना जो पीछे रोड पे काम कर रहे थे, आपने बनाई ना रोड। लग तो बोल रहे हो आप।
वही मजदूर हो आप भाई साहब? दोनों रह रहे हैं हम प्रॉपर, हम लेबर टाइप। बट यार हैट्स ऑफ है, जो यहाँ की लेबर है ना उनके लिए हैट्स ऑफ है। हमें क्रॉस करने में ऐसी तैसी हो रही है, वो भाई साहब काम कर रहे हैं हमारे लिए। ग्लव्स देखो वाइट हो रहे हैं, पैर भैया ठंड रही है। फिर भी बाइक ठीक चल जाती अगर इसमें दो चीज़ें होती, और जो मुझे लगता है मेजर जो लद्दाख स्ट्रेच लद्दाख के लिए इस बाइक में नहीं है अभी, एक तो ऑफ रोड टायर वो तो रख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है। सेकेंडली इंजन बैश रेट, जिसको लेकर मैं बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हूँ। अब आ गई है आई थिंक जाना वाना की शायद आ गई है, अभी आज की डेट में लॉन्च हो गई है जब मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ 29th of September को। इस स्ट्रेच पे ना जहाँ ट्रक आ रहे हैं रुक रहे हैं अटक रहे हैं, यहाँ पर तेल भी गिरे होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, और उस पर बहुत ध्यान से निकल रहे यार, ये तो बहुत ही ज़्यादा। अब जा रहे हैं हम एक और हाई ऑल्टीट्यूड पास की तरफ, सेकेंड हाई ऑल्टीट्यूड पास ऑफ द डे। ये है बहुत ही स्लिपरी स्ट्रेच, क्योंकि ये इंक्लाइंड भी है और मड भी है, स्लश भी है, सब कुछ है, कुछ कमी नहीं है। और नीचे लेफ्ट में देखो, ये देखो लेफ्ट में नदी आ रही है, जम रही है, वो जमना स्टार्ट हो गई है। फ्रीजिंग कोल्ड मैन, फ्रीजिंग कोल्ड। वी आर ऑन सेकेंड हाई ऑल्टीट्यूड पास ऑफ द डे, लाचुंगला। जी हाँ, हम पहुंच गए हैं लाचुंगला। 16,600 feet, 16,600 feet तो ऐसे लग रहा है अब कि इट्स ओके यार, चिल रिलैक्स, बहुत ऊंचा नहीं है। चलो जी यार, रुकेंगे नहीं, चलते हैं। ट्रक आ रहा है, ट्रक को उन्हें आगे नहीं जान देना, ठीक है जी। अपनी रेड स्पीड ने एक और हाई ऑल्टीट्यूड पास मतलब पहुंच गई है। चलो, फाइंडिंग द गैप्स, फाइंडिंग द गैप्स, फाउंड द गैप्स। ओके, क्रेजी यार। इतने ही हमने ऑफ रोडिंग कर ली है ना इस बार। ऑल ओके, ओके। लाचुंगला हमने क्रॉस कर लिया है, और इन दो पासेस के बीच में ना ये ढाबे हैं कुछ, और रहने के पॉइंट भी हैं अगर यहाँ रहना हो आपको। इसका नाम मैं भूल गया जगह का। हल्की सी भूख तो लग रही है यार, लेकिन दिक्कत ये है ना कि हमने आज पहुँचना है जिसपा, और टाइम तो हो गया 2 बजे, लंच का टाइम हो गया है ऑलमोस्ट। तो लेकिन यहाँ नहीं ले रहे ब्रेक, हम लेंगे ब्रेक सरचू में। सरचू यहाँ से ऑलमोस्ट 1 घंटा रहेगा जहाँ तक मुझे ध्यान है, तो वहाँ लंच करेंगे और कोशिश करेंगे कि सरचू में लंच लुंच करके हम 3 बजे तो पहुँचेंगे, 3:30 या 4 से पहले ना वहाँ से निकल लें, क्योंकि 12:30 वहाँ से 1 घंटे में पहुँचेंगे तो ठंड हो जाएगी, और अंधेरे में तो भाई साहब बिल्कुल नहीं क्रॉस करना हमने 12:30, नो वे मैन। अभी हम एक और हाई ऑल्टीट्यूड पास पहुँचने वाले हैं भाई साहब। 15,000-16,000 feet तो ऐसा लग रहा है आजकल कि अरे ये तो छोटा है, नीचे है। ये हाल हो गया। थर्ड हाई माउंटेन पास ऑफ द डे, वी आर एट नकीला एट 15,500 feet, और वो देखो क्या अमेजिंग व्यूज है। हम जा रहे हैं टुवर्ड्स सरचू, और अभी ना बहुत बेहतरीन नज़ारे स्टार्ट हो जाएंगे। चलो जी चलते हैं। नकीला ऑल्टीट्यूड 15,547 feet, थर्ड ऑल्टीट्यूड पास, थर्ड हाई ऑल्टीट्यूड पास ऑफ द डे। बता लेह से मनाली वाले स्ट्रेच पे खास बात क्या है, तांगलांगला से लेकर बारलाचाला ऑलमोस्ट आई थिंक 200 किलोमीटर का जो स्ट्रेच है ना ये, इसमें आपका ऑल्टीट्यूड जो है 14,500 feet से ऊपर रहता है, उससे कम नहीं होता, मतलब क्लोज टू 40,000 feet उसके बाद कम होता है। तांगलांगला से आप पहले आपका ऑल्टीट्यूड जो है ऑलमोस्ट 10,000-11,000 रहता है फीट, 200 किलोमीटर हम जो है 14,000 feet के ऑल्टीट्यूड पर ही चलते हैं। ये शायद आपको किसने बताया नहीं होगा, आई डोंट नो आपने नोटिस किया या नहीं किया है, बट इस पूरे स्ट्रेच पे कहीं भी कोई बैरिकेडिंग नहीं है, और अभी हम एक्सट्रीम हाइट्स पे हैं, और ये जो खाई हैं वो उसकी डेप्थ भी पता नहीं हमें कितनी है, क्योंकि
यू जा रही है ऐसे अंदर और सामने पहाड़ है, तो बहुत गहरी खाई है हमें जस्ट सी, हमें उस लेवल पे जाना है ठीक है। और ये जो बोलते हैं इस जगह को बोलते हैं घाटा लूप्स, ये 21 ना हेयर पिन बेंड्स ऐसे रोड है और इससे हम जाएंगे नीचे उस लेवल पे और फिर वहाँ से जाएंगे आगे सारचू। अमेजिंग वैली है ये, बहुत सुंदर वैली है सारचू, लद्दाख ट्रिप पे वन ऑफ माई फेवरेट प्लेस घाटा लूप्स। आप देख रहे हो, अब दिख रहे हैं लूप्स प्रॉपरली है ना, अमेजिंग व्यू है ये, मेस्मराइजिंग व्यू है ये। हम पहुंच गए हैं विस्की ब्रिज, लास्ट में आया था तो ये बन रहा था और उससे गए थे हम, अब नया ब्रिज रेडी हो गया है बट रोड थोड़ी रेडी होनी बाकी है। विस्की पुल, विस्की पुल क्यों रखा है यार, आई थिंक ये विस्की नाला है उसे बोलते हैं, दैट्स व्हाई विस्की पुल है ये। ब्रैंडी ब्रिज, ब्रैंडी ब्रिज है ये, पहले विस्की ब्रिज था ब्रैंडी ब्रिज है, अब आएगा रम ब्रिज, देन आएगा वोडका ब्रिज। सही है यार, अब ये लैंडस्लाइड्स कैसे हो रखी है, हवा से हो रखी है या कैसे हो रखी है पता नहीं बट बहुत ही भयंकर हो रखी है। ये है ट्विंग ट्विंग ब्रिज, ट्विंग ट्विंग ब्रिज, भाई साहब ये सही में ट्विंग ट्विंग ब्रिज ही है ये। आवाज आ रही है ट्विंग ट्विंग ट्विंग। हमने 8:15 स्टार्ट किया था और 3:15 बजे हम 5 घंटे में सारचू पहुंच गए हैं, काफी स्पीड से आए हैं और भाई साहब आज ना ठंड ने तो ले रखी है, ठंड ने और हवा ने, बहुत ज्यादा तेज हवा है, चिल्ला के बोल रहा हूँ मैं, पता नहीं आवाज़ आ रही नहीं आ रही है। हमने मतलब मैंने लास्ट ईयर रात को यहीं से किया था सारचू, मतलब यहाँ पर कोई गांव नहीं है, बस ये ढाबा ही है जो कि सीजनल ढाबा है और नॉर्मली समर्स में रहते हैं, अभी ये 15 अक्टूबर के आसपास बंद हो जाएंगे, तो यहाँ पर उनका स्टे का भी ऑप्शन है ढाबे के अंदर, मैं आपको दिखाता हूँ अभी। बट ये प्लेस जो है ना बहुत अमेजिंग है, बहुत खुली खुली सी वैली है और आगे कैंप भी हैं, बट आई फील कि ना कैंप से बेटर ये ढाबा है। ये देखो अपना लास्ट ईयर का स्टिकर ट्रेवल बाइट सबसे ऊपर, और ये देखो ये ढाबा, अंदर किचन है और यहाँ खाने का, और पीछे पड़ जाओ रात को सो रहा तो, इसके पीछे भी एक रूम है। लास्ट ईयर हम यहाँ सोए थे ऐसे ही, मतलब पीछे छोटी सी जगह पे 4 बंदे, बहुत ही अमेजिंग मजा आया था, बेहतरीन और अच्छे खासे होटल फेला उसके आगे, इतनी ठंड और दो दो हमने गद्दे लिए थे, जबरदस्त। ये आ गया हमारा ऑमलेट और ये बढ़िया चाय, बस निपटाते हैं इसको और फिर निकलते हैं। चलो जी चलते हैं, टाइम हो गया है 3:50, खतरनाक। लो जी फाइनली हमने स्टार्ट कर दी है 12 लाख की चढ़ाई, चौथे पास की चढ़ाई जी एक दिन में, मजाक हो रहा है। और कोई टूरिस्ट, मतलब टूरिस्ट काफ़ी कम है इस टाइम ना, ऑफकोर्स सीजन काइंड ऑफ ऑफ होने वाला है, सर्दियाँ इज हेयर, विंटर्स आर हेयर। मुझे बस एक दिक्कत थी कि मैं बारलाचा में ट्रकों का जाम ना मिले, लग तो नहीं रहा मुझे कोई ट्रकों का जाम मिलेगा, क्योंकि अभी तक
सारजू से हमने स्टार्ट किया है, ऑलमोस्ट हम 10 किलोमीटर आ चुके हैं, ना कोई ट्रक दिखाया है, ना हमें गाड़ी दिखी है, ना बाइक दिखी है, ना साइकिल दिखी है, ना ही कोई बंदा दिखा हमें, हम ही जा रहे हैं खाली। भाई साहब ठंड बढ़ गई है, ठंड फटाफट से क्रॉस कर लो बारालाचा को, वरना कुल्फी जम जाएगी कुल्फी। ओ मैन, ये लोग कैसे रहते होंगे यार टेंट में, यहाँ पर हिम्मत है यार की, यार अभी इतनी ठंड हो रही है, अब 2 घंटे बाद यहाँ क्या होगा, कुकड़ बन जाएगा कुकड़। देखो ये सारे वर्कर जा रहे हैं वापस ऊपर से नीचे, और हम जा रहे हैं नीचे से ऊपर ठंड में। रास्ता खराब है भैया बारालाचा का, सेम एज लास्ट टाइम। और ठंड जो है बड़ी घातक हो गई है। भाई साहब सामने देखो माहौल, बहुत ठंड है। और हम पहुंच गए हैं बारालाचा, यस फाइनली 4850 मीटर, क्लोज टू 15,000 और 60,000 फीट। लद्दाख का किसी भी पासिस पे बेस्ट व्यू जो मैंने देखा है इस ट्रिप पे, अमेजिंग व्यू, जस्ट सी। हल्की हल्की स्नोफॉल हो रही है और प्रवीण जी जस्ट निकले हैं, मैं आपको ये व्यूज दिखाने के लिए रुक गया। ऑसम व्यूज, अमेजिंग। अरे भाई साहब फॉग जम रही है पूरी, भैया इससे ज्यादा ठंड मैंने कभी नहीं झेली नहीं है। ये है सूरज ताल जो कि बार ऐसा क्रॉस करते हो तभी आती है, हाई ऑल्टीट्यूड लेक। अब आगे चलेंगे तो आएगी दीपक ताल। फाइनली सूरज देवता के दर्शन हो गए हैं बहुत देर बाद। भाई साहब सीजन ऑफ हो गया ये तो यार इस टाइम, अदरवाइज तो इस टाइम इस रूट पे ना मतलब बारालाचा इतना क्राउडेड रहता है। मनाली इज 135 आई थिंक 135, हाँ तो 3 घंटे का रास्ता है अगर मनाली जाते हैं तो। क्या बोलते हो, चले मनाली सीधा डायरेक्टली? भाई जितने भी पुराने पुल है ना लद्दाख के रास्ते में सबके साथ में पैरेलल ही, या तो नया पुल बन गया है रेडी हो चुका है या फिर बन रहा है जैसे ये, तो आने वाले 1 साल में तो भाई साहब मक्खन हो जाएगा रोड्स की कंडीशन लद्दाख में। एटलीस्ट जो मेन रूट्स है मनाली टू ले हो गया, कश्मीर से ले तो मस्त है ही। तो ये है आपके दीपक ताल लेक, और बहुत ही हैपनिंग जगह है ये, बट अभी खाली है, कोई नहीं है पर, कोई टूरिस्ट नहीं है, टाइम बहुत ज़्यादा हुआ नहीं है। और ये देखो ये सारे ईटिंग पॉइंट्स, ढाबा सब बंद है, ये भी बंद है। इन्होंने क्या क्या हुआ है, इन्होंने हमें चिढ़ाने के लिए बाहर चौकीस में लगा रखी है चीज़ें, बट हम खा नहीं सकते। हो मैन व्यू इज जस्ट अमेजिंग। अब ये इस रूट का ऑलमोस्ट आई थिंक लास्ट है ये रफ स्ट्रेच, इसके बाद मनाली तक रोड ठीक है।
पहाड़ों में 300 किलोमीटर राइड करने के बाद में और 4 हाई माउंटेन पासेस क्रॉस करने के बाद में और 1 हाई माउंटेन पास पे स्नोफॉल के मजे लेने के बाद में हम पहुंच गए हैं जिस्पा, और जिस्पा में हमारा चल रहा है डिनर। बेहतरीन